वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग बैठक की। डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक किया। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। एक स्रोत हम लोगों ने प्रदेश में सरकार के माध्यम से तय हुआ कि अगर किसी दुकान को लेकर के विवाद होगा, उस विवाद के बाद वह दुकान, राशन की दुकान जो समूह की महिलाएं हैं उनको सौंप दिया जाएगा, उनके द्वारा संचालन किया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहाँ वाराणसी में भी कई दुकानें हैं जो बहुत योग्यतम तरीके से हमारी बहनें सब संचालित कर रही। इतना मुझे बताना था, आपको कुछ पूछना था। उप मुख्यमंत्री जी, बीएचयू में इफ्तार पार्टी हुई है, उसको लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का और विश्वविद्यालय का विषय है। यद्यपि मैं मानता हूँ कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ इस प्रकार का कार्य कभी नहीं हुआ था, तो ऐसे कार्य करके विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच का मामला है, अभी सरकार की ओर से हम कोई इसमें दखल नहीं। महंगाई के सवाल पर बताएं, महंगाई के सवाल पर जो गरीब जनता बेहाल है, मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पिछले 2.5 वर्षों से चल रही है, जिसमें गरीबों को निःशुल्क राशन दिए जाने का काम हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से भी राशन के साथ साथ और उनको तेल भी, दाल अब्लिक चना, नमक, यह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। महंगाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह नियंत्रित हो और नियंत्रित करने के लिए सरकार के स्तर पर जो हो सकता है वो करेगी। देश को भरोसा है, मैं भी कहूंगा कि आप भरोसा रखें, उसे ठीक करें। सर, चंदौली में एक महिला को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, इलाहाबाद में 30 दिन में 22 हत्याएं हो गई हैं, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? आप ऐसा मत कहिए, ये दुखद घटना हुई है चंदौली की भी, कोई अपराधी जनपद है आपका प्रयागराज? आप प्रयाग पर सवाल पूछ रहे हो, चंदौली पे? दोनों ही मेरा सर, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल। चंदौली पर जो घटना घटी है वो दुखद है, और उसके जो दोषी हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी विवेचना होने दीजिए। विवेचना से पहले हम लोगों का कुछ कहना वो अनुचित है, और प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कहीं पर भी कोई घटना होती है वह दुखद होती है, चिंताजनक होती है, लेकिन हर घटना का पुलिस खुलासा करती है और जो उसके दोषी होती हैं उनको पकड़ना और उनको दंड दिलवाने का काम किया जाता है। सर, प्रयागराज के लेकिन एक भी घटना का खुलासा नहीं किया। आपको पूरा मालूम नहीं है, एक घटना तो ऐसी हो गई, आप अपने घर परिवार में बैठे हैं, अब घर परिवार में बैठे हैं, घर के अंदर दरवाजा बंद करके रह रहे हैं, वहीं एक परिवार के 6 सदस्य जो दुखद घटना हुई वो मार करके स्वयं खाली कराया जाएगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि 21 जून से पहले ये खाली ये काम हो सकता है? देखिए, हर गाँव के कब्जे में नहीं है, गाँव में करीब करीब सब कब्जा है। सुनिए, पहले ऐसा नहीं है, जहाँ कब्जे में है वहाँ खाली कराया जाएगा, जहाँ कब्जे में नहीं है वहाँ एकदम व्यवस्थित किया जा रहा है कि वहाँ पर आप जो गांव के लोग हैं वहाँ पर योग करें, वहाँ पर खेल खेलें और हमारे देश के जो बच्चे हैं आगे बढ़ें। हम लोग की चंदौली में सर जो घटनाएं हुई हैं, पुलिस पे जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद ये भी है कि जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। हवा में खबरें मत फैलाइए, पोस्टमार्टम भी हो गया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, घटना दुखद है, उसकी जांच होने दीजिए। ऐसे सवाल मत करिए कि जिससे और उस खबर को ऐसा बनाएं जिससे गलत मैसेज। अच्छा, एमएलसी के चुनाव में इतनी बुरी तरह हार बनारस में आपकी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शानदार जीत प्रदेश में हुई है, उसकी हम प्रदेश के सभी कार्यकर्ता। सर, आजम खान नाराज चल रहे हैं अखिलेश से काफी, और अखिलेश इफ्तार दे रहे हैं। मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगा? आगे सपा की समस्या, मेरी समस्या नहीं। एक सवाल है, ज्ञान माफी मस्जिद का एक कोर्ट का फैसला आया अभी कि वो 6 से 10 के बीच में सर्वे कराएंगे और वीडियोग्राफी होगी, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यासीन जी, यासीन मलिक कह रहे हैं कि नहीं, घुसने ही नहीं देंगे गैर मुस्लिमों को, ये नया विवाद खड़ा करना क्या है? माननीय न्यायालय से संबंधित विषय है, उसमें सरकार की ओर से मुझे कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है न्यायालय जो आदेश देगा उसका पालन होगा। आदेश दे दिया है इंतजामिया कमेटी, मैंने कहा जो न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन होगा, सरकार से जो सहयोग चाहेंगे सहयोग करेंगे। मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से तालाब पाटे जा रहे हैं, तालाब हम अमृत सरोवर, अभी आपको बताया 6,000 अमृत सरोवर हम पाटे जा रहे हैं, जो पाटा जाएगा तो भूमाफियाओं से खाली करा लिया जाएगा, किसी गरीब का किसी तरीके से कब्जा हुआ होगा उसको दूसरे स्थान पर बसाने की व्यवस्था करके
वह तालाब को ऐसा बनाया जाएगा जिससे वाटर रिचार्जिंग की प्रक्रिया चलते रहे। धन्यवाद। उसकी बिक्री हो चुकी है, आप चिंता मत करो, जो अगर कोई ऐसा किया होगा तो उस पर कार्रवाई। अब धन्यवाद, बहुत हो गया।